हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आशीष। और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली प्लांट हार्मोन्स, हार्मोन्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है और हार्मोन्स क्या होते हैं, ये चाहे प्लांट हो या एनिमल, सभी के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं। और यदि इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। और प्लांट हार्मोन्स की जो नेम है, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एप्साइसिक एसिड और इथाइलिन, ये सभी प्लांट हार्मोन्स होते हैं और इनको हम बोल सकते हैं फाइटो हार्मोन। और जैसे इन प्लांट हार्मोन्स का इम्पोर्टेंस भी होता है ट्रॉफिक मूवमेंट में, लाइक द ऑक्सिन। ओके, तो हर टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे और आपका वर्क क्या है, टॉपिक को लास्ट तक स्टडी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और अपने कमेंट भी आप देते जाइए। स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स, और प्लांट हार्मोन्स का जो वर्क क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर बोलते हैं हम इसे। पीजीआर का फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं फाइटो हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स के टाइप क्या होते हैं, ये फाइव टाइप यहाँ मेंशन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एप्साइसिक एसिड, एनेथाइलिन। अब वन बाय वन इंडिकेट किया गया। जैसे सपोज ऑक्सिन है, ऑक्सिन का वर्क क्या होता है, तो ऑक्सिन को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। और इसकी वजह से जो सेल क्या होती है, ये लॉन्गर ग्रोथ होती है एंड हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर। और इस सिंथेसाइज का आप होता है एट द शूट टिप एंड रूट टिप पे। तो ये आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन सिंथेसाइज कहाँ पे होता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस दिया गया कि जो स्टेम पार्ट, ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो ऑक्सीजन का जो मेन इम्पोर्टेंस होता है फोटोट्रॉफिक प्रोसेस में, जो सेल इलोंगेशन क्यों हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे। ऑक्सीजन हार्मोन्स का लेवल प्लांट से कहाँ पे होता है, अवे फ्रॉम द लाइट। और जब यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये बेंडिंग होगा। ऑक्सीजन कंट्रोल द फोटोट्रॉपिक बिहेवियर ऑफ द प्लांट। ओके, इसमें इंडिकेट भी गया कि ये बेंडिंग कैसे होता, वेन लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूज अवे फ्रॉम द लाइट। ऑक्सीजन कहाँ पे डिफ्यूज होगा, लाइट के अवे डायरेक्शन में, टूवर्ड द शेडी साइड ऑफ द सूट। द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड द शेडी एरिया, इसका कंसेंट्रेशन में ज्यादा कहाँ पे होगा, जहां पे छाया जाता है प्लांट्स में, स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर एंड फास्टर एंड द प्लांट अपीयर टू बेंड टूवर्ड लाइट। यहाँ पे इसकी वजह से बेंडिंग का होता है एज द लाइट डायरेक्शन में। इसके अलावा इट कंट्रोल द जियोट्रॉपिक बिहेवियर ऑफ द प्लांट, प्लांट के किस प्रोसेस को मेंटेन कर रहा है, जियोट्रॉपिक ये इंडिकेट कर रहा है। जियोट्रॉपिक मतलब रूट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये है पॉजिटिव, ये क्या है यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव। ओके, जियोट्रॉपिज में ऑक्सीजन कंट्रोल द जियोट्रॉपिक बिहेवियर ऑफ ए प्लांट। जिबरेलिन का वर्क क्या होता, तो जिबरेलिन का मेन वर्क यहाँ पे सेल इनलार्जमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और सेकंड वर्क क्या है, इट प्रमोट सेल डिवीजन एंड स्टिमुलेट्स स्टेम इलोंगेशन में वर्क करता। और थर्ड क्या जाएगा, ये इंडिकेट कर रहा है सीड जर्मिनेशन में बाई ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। ये बोला जाए कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक कौन कर रहा, तो वहां पे नाम आया जिबरेलिन। साइटोकाइनिन का वर्क क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंसिएशन। और इसके अलावा इसका वर्क क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी। इथाइलिन का वर्क क्या होता है, इसे गैसीय हार्मोन बोलते हैं, या इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट को राइपनिंग करता है। एप्सिसिक एसिड क्या बोले, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, या इट आल्सो प्रमोटिंग बिल्डिंग ऑफ द लीव्स।
ओके तो ये टॉपिक थे, ये टॉपिक मैंने जो डिस्कस किया आज एज ए प्लांट हार्मोन से ही किए गए, तो इनको आप स्टडी कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। बाकी नई वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे। ओके थैंक यू।